नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। किसानों की उम्मीद पर खरे उतर रहे भितरवार विधायक मोहन सिंह राठौर। आज विधानसभा भितरवार क्षेत्र के किसानों की मांग पर भाजपा विधायक एवं जनसेवक मोहन उल्फत सिंह राठौर द्वारा आज 11 अगस्त को हरसी मेन कैनल नहर एवं हरसी नहर दोपहर 1 बजे खोली गई नहर की खुशखबरी सुन किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए। इस अवसर पर भितरवार विधानसभा के किसान एवं ग्रामवासी सम्मिलित रहे। ग्वालियर से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। आज नहर खोली गई है हरसी परियोजना की, क्या कहेंगे उसके बारे में? भितरवार विधानसभा की जीवन दायिनी है हमारी हरसी डैम से निकलने वाली नहर। वो डबरा को भी जीवन देती है और भितरवार को भी जीवन देती है। इस बार पानी कम था, इसलिए आज 11 अगस्त को इस नहर को खोलने की औपचारिकता हम लोगों ने की है। इसके लिए सारे किसानों की मांग थी, उस पे हमने प्रयास किया है। कुछ थोड़ा सा लोगों का आपसी जो भी रहा, जिसकी वजह से इसमें तमाम सारी दिक्कतें थी, वो भी सब दूर हो गई और आज नहर भी खुल गई। दोनों ही चीजें, जो लंबी दूरी जो किसान है उनको पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है, यहाँ पर रोक लग जाती है, उसके लिए आप क्या? नहीं, मैंने अभी बात की। देखिए, हमारी कोशिश इस बार रहेगी कि हम टेल तक पानी दें, और अगर नहीं भी दे पाए तो फिर हम इस बार जो अप्रैल मई और जून का जो महीना है उसमें नहरों की सफाई, नहरों की टूट फूट, इसको सुधारना, इस सब दिशा में काम करेंगे। और सबका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हमारे आखिरी किसान को पानी मिलेगा, और उस दिशा में हम इस साल भी काम करेंगे और जीवन में भविष्य में भी हम काम करेंगे। और किसान पूरी तरह आश्वस्त रहे, जब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग काम कर रहे हैं, तब तक हम एक एक बूंद पानी को संरक्षित करने का काम हम करेंगे। और चाहे भले ही पानी बरसाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है वो भी एक पेड़ माँ के नाम तो है, लेकिन अंत में वे पेड़ ही सारे लग जाएंगे तो पानी बरसना शुरू हो जाएगा। तो हमें उस दिशा में भी काम करना है और किसानों की खुशहाली के लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।